सो हेलो एवरीवन, आज है संडे और आज का ब्लॉग शुरू हो गया है। टाइम लगभग अभी हो रहा है 11:30 होने वाले हैं और सुबह से मैं यही सोच रहा था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं फ्री था और एक ब्लॉग तो बनाना था जो कि काफ़ी टाइम से मैं बना नहीं पा रहा था, कहीं जा भी नहीं पा रहा था। मैंने सोचा क्यों ना अपने एक दोस्तों को इकट्ठा किया जाए और इधर उधर घूमने के लिए निकला जाए, ताकि थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाए और जो ब्लॉग की प्रक्रिया है वो चलती रहे, कंटिन्यू रहे। क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं ये देख रहा था ब्लॉग को लेके स्पेशली कि कोई मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा हूँ। रीज़न यही था कि जब हम बाहर कहीं जा रहे हैं तब तो ब्लॉग बना रहे हैं, लेकिन स्पेशल ब्लॉग के लिए कहीं नहीं जा रहे हैं। तो जिनको यूट्यूब पे काम करना है स्पेशली, वो ये ख़ास ध्यान दे कि अगर आपको यूट्यूब के लिए कुछ करना है तो डेफिनेटली आपको यूट्यूब को पहले माइंड में प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तभी आप यूट्यूब के ऊपर काम कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। अदरवाइज़ तो आप सालों दर साल लगे रहोगे, कुछ ना कुछ डालते रहोगे और वो एज़ इट इज़ गलता रहेगा और उसका कोई एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप एक यूट्यूबर की डायरेक्टली फॉर्म में आप कन्वर्ट हो पाओगे। तो चलिए चलते हैं अपने दोस्तों के पास, उनके साथ फिर हम कुरुक्षेत्र जाने का प्लान हुआ है और देखते हैं कि आगे हम फिर उसके बाद कहाँ कहाँ आगे निकलते हैं और वो सारी चीज़ें आप इसी वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी वीडियो और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उम्मीद है ताकि और जो आने आगे वाली वीडियो है वो सब आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। जी कुछ बेचैन लोग आ गए हैं कुरुक्षेत्र घूमने, ये भाई साहब आए हैं गाना बनाने। कौन सा गाना बना रहे हो फिर आज? डमरू वाला। डमरू वाला, हाँ, शंकर भगवान जी का गाना है डमरू वाला। ओके, क्या शूट करेंगे कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र की नगरी में। चलो दिखाते हैं। वो देखो एक पीछे और कलाकार है, आतंकवादी बनी हुई है, गोलगप्पा खाना है इसने, अभी खिलाएंगे खिलाएंगे, पहले पापड़ी भी है, माड़ा। चलो इनको पहले माड़ा दिला के लाते हैं। सिक्योरिटी के लिए बंदे नहीं बैठे। ये यहाँ का मेन मंदिर है ग्राउंड फ्लोर का। ये कितने एकड़ में है वैसे? पता नहीं, पता है आपको? ना, गूगल कर लेना भाई, इस पर हम स्क्रीन पे लगा देंगे कि कितने एकड़ में फैला हुआ है। उधर कहाँ जा रहे हो भाई? उधर ना आना है, छा में तो वहाँ पर है ना, वहाँ क्या कर लेंगे, बहुत सुकून है छा में ना। फिश भी है ना यहाँ, पानी गर्म है, नीचे का ठंडा, वो एंजॉय कर रही है नीचे। वो वहाँ पर क्या बन रहा है सर? धर्मशाला? नहीं, वो धर्मशाला नहीं, वो आई थिंक वो है महाभारत के, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना अध्याय है ना जो महाभारत 18 अध्याय हैं। मिस्टर प्रदीप सर बताएंगे, उनसे चलो जी पूछते हैं। चलो उनसे पूछते हैं, अरे वो तो आगे निकल गए यहाँ, चलो पकड़ते हैं उनको।
यहाँ पर जो शाम की आरती होती है वो बहुत बहुत, अगर आप 6 बजे तक रुकेंगे तो जरूर आरती भी दिखाएंगे। और सुनने में आ रहा है कि जब आरती स्टार्ट होती है ना, पक्षियों की चहचहाट स्टार्ट हो जाती है और आरती बंद होती है वो भी शांत हो जाते हैं, ये सुनने में आया है। एक बार मैंने देखा भी है, नोटिस किया है, बट शायद कोइंसिडेंस भी हो सकता है वो, बट यही सुनने में आया। और ये देखिए मिस्टर गोविंद चौधरी अपने सॉन्ग के लिए शूटिंग करते हुए, कलाकार हमारे लगे हुए हैं, पूरे तत्पर प्रयास कर रहे हैं। और प्रदीप सर पानी में खोए, प्रदीप सर यहाँ पर आरती होती है जो अलाउड है। हाँ हाँ हाँ, सब अलाउड है क्या? अरे ये तो वही जगह है ना शायद, नहीं ये वाली हो रही है, यहाँ पर शाम की आरती होती है, ये जो एरिया है यहाँ पर, ये अभी बना है शायद, है ना? पहले तो नहीं था, 5 साल हो गए बने हुए। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोविड से पहले से बना हुआ, हम ही आए थे तो पहले ही आए थे, है ना, बिहारी पाकी और हम सब, है ना, उसके बबाद अभी आए शायद। मैं 10 बार आ चुका हूँ उसके बाद, बना हुआ काफी साल हो गए। कितना सुकून है यहाँ पर, कितना सुकून है यार। एक तो ना एक बार पानी पे फोकस कर लो, मन कर रहा है नहा लो, इतनी गर्मी लग रही है। ये जो एरिया है ना यहाँ, इसके आगे जाना अलाउड नहीं है, डेंजर एरिया है इसका भी। ये दिख रहा है ना पानी इसके ऊपर आ गया, वैसे उतना नजर में ज़्यादा पानी हो गया ब्रह्मस्टोर में, पानी भरा हुआ है अब, भरा हुआ है। जून में हम आए थे उस टाइम पर इतना पानी नहीं था, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा पानी। मैम सोनिया और हम आए कुरुक्षेत्र ब्रह्मस्टोर पर, तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। ब्रह्मस्टोर में इतना सारा पानी है, मन करता है कि डुबकी लगाएं, डुबकी लगाएंगे। छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर, ये इतने ऊपर से जंप लगा रहे हैं और इनको डर भी नहीं लग रहा है। ये गलत मैसेज आता। तो ये देखो कितना भव्य स्मारक के तौर पर बना हुआ है और लोग यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं सब, ज़बरदस्त। तो यहाँ आप आ सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ स्पेशल फोटोग्राफर्स भी हैं जो कि आपको फ़ोटो इंस्टेंट फ़ोटो क्लिक करके देते हैं। ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है इनका, तो ऐसे यहाँ पर आपको मिल जाता है, फ़ोटोग्राफ आप करवा सकते हैं, इनका स्टॉप है यहाँ पर। तो लोग काफ़ी अलग अलग दूर दूर से आते हैं, और यहाँ बहुत दूर से लोग आते हैं, मतलब पूरे इंडिया से लोग यहाँ आते हैं घूमने, स्पेशल मेंटेनेंस के लिए। बाकी मेंटेन है ये सारा एरिया, देख सकते हैं क्या संडे है और चारों तरफ लोग भरे हुए हैं। अभी मैडम की भी हम फोटो खिंचवाएंगे, उसमें सोने की वो लगवाएंगे फ्रेमिंग जो करण की दांत, अर्जुन करण की दांत से बनाया जाएगा स्पेशल। और ये बेलपुरी वाला, ओल ये भाई बेलपुरी वाला, छोटा सा बच्चा बेचारा, वैसे अलाउड नहीं है। नहीं ये देखो जी, ये देखो जी बेलपुरी बनाई जा रही है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। क्या नाम है भाई? अनुज, मेरे भाई का नाम भी अनुज है। अनुज, अनुज तो अनुज ही होता है, अनुज बड़ा होता है छोटा होता है? ओए ये देखो कलाकार, दुकान उठाई और शिफ्ट कर दिया। ये देखो जी लोग, वो आगे। चलो सुरक्षा विभाग, आप यहाँ पे किसने आपको सजेस्ट किया आने के लिए, वहाँ पर जाने? अरे पंडित जी हैं। आपका इंटरेस्ट है इसमें या फिर बस पेरेंट्स ने बोल दिया तो आपका इंटरेस्ट नहीं था? आप अब क्या तो बनना है? चाहते थे? अब है इंटरेस्ट? सरकारी नौकरी करना चाहते थे? अब है इंटरेस्ट? अच्छा, अब इंटरेस्ट बना या नहीं? अब बन गया, मतलब खुद से बना या फिर अब भी पेरेंट्स के दबाव में? खुद से बन गया। कितने साल हो गए यहाँ पर आपको? 2 साल से आप यहाँ पर। कौन सी क्लास में आ गए थे? 4th में आ गए थे आप। घर वालों की याद नहीं आती? अप डाउन करते हैं। अच्छा डेली अप डाउन करते हो। मॉर्निंग में कितने बजे आते हो यहाँ पर? 7 बजे आ जाते हो। कौन छोड़ के जाता है? ट्रेन आओ डेली, पिताजी छोड़ कर जाते हैं और लेकर भी वही जाते हैं। कितने बजे लेकर जाते हैं? 5 बजे। अच्छा, और कितने सालों तक रहोगे आप यहाँ पर? 1 साल बस। उसके बाद फिर कहाँ जाओगे?
पिताजी की मर्जी है। थैंक यू। अब क्या सुना रहे हो? अब कुछ तो सुनाओगे है ना? क्या सुनाना चाहोगे बताना सर, क्या बता रहे थे आप? वही बता रहा हूँ, स्वस्ती वाचन धातु तक मतलब आराम से सुनाओ अच्छे तरीके से। ठीक है, नहाना है, नहाना बस एक बार सुना दो, उसके बाद ठीक है लास्ट। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो आरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शाभय्याभिन्तराशुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु माम्। ओके, थैंक यू।